बिहार बोर्ड की ओर से 9th क्लास में एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कक्षा 9 में नामांकन लेने के लिए नामांकन फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बाद इसे आप जमा करेंगे पिनअप करके, तो इसके साथ आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाकर इसे जमा करेंगे अपने स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, साथ ही आपको कितना रुपया लगता है एडमिशन में, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस विद्यालय में आप नामांकन लेने के लिए जा रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल सर से आपको बोलना है मुझे नामांकन फॉर्म दीजिए। तो आपको कुछ इस तरह से एक फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपको कुछ डिटेल्स अपना भरना है। तो उस फॉर्म पर आपके विद्यालय का नाम जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उसका नाम इस तरह से रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसके बाद नामांकन है तो फॉर्म इस तरह से रहेगा, ऊपर में विद्यालय का कोड रहेगा। सो आप यहाँ पर इससे आप समझ चुके होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना यह है, आपको नाम अपना भरना है हिंदी में इंग्लिश में, उसके बाद अपने पिताजी का नाम हिंदी में और इंग्लिश में, अपने माताजी का नाम हिंदी और इंग्लिश में। इसमें आपको भरते वक्त ये ध्यान देना कि आपके आधार कार्ड पर जिस तरह से हिंदी में नाम लिखा गया, जिस तरह से इंग्लिश में स्पेलिंग सहित नाम लिखा गया आपके पिताजी का या आपका नाम, उसी तरह से आपको यहाँ पर अपना नाम और अपने पिताजी का नाम भरना है जिस तरह से आपके आधार कार्ड पर है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद निवास स्थान में आपका जहाँ पर भी गाँव है अपने ग्राम का नाम यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद अपने अभिभावक का नाम में फिर से अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पर भर देना। पेशा में अपने आपके पिताजी मजदूरी करते हैं तो मजदूरी लिख लेंगे, अगर आपके पिताजी जो भी करते हैं वो अपने अनुसार लिख लेंगे। उसके बाद कोटे में आपको BC1 BC2 SC ST जो भी है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जाकर सर से हेल्प ले सकते हैं इसमें आपको क्या भरना है, इसको खाली छोड़ देंगे और सर से पूछ के भर देंगे। लिंग में आपको पुरुष स्त्री जो भी है आप भर लेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में स्थानीय अभिभावक का नाम एवं पता, इसमें आपको छोड़ भी देना या भर भी सकते हैं, तो अपने पिताजी का नाम फिर से भर लेंगे, उसके बाद अपना एड्रेस यहाँ से फिर से भर लेंगे। उसके बाद जन्मतिथि में आपको ये दे देना जो आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है, सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर में आपका जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे, नहीं भर लेंगे। मैं यहाँ डेमो के लिए कुछ भी फिल करके रखा हूँ, बट आपका जो रियल है वो आप फिल यहाँ पर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अगले स्टेप में ध्यानपूर्वक समझिए, दूसरे विद्यालय से आने वाले छात्रों का विवरण। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप समझ लीजिए मैं 8वां वर्ग में मतलब पढ़ रहा था जिस विद्यालय में, और दूसरे विद्यालय में मैं नामांकन ले रहा हूं जिसमें 8वां वर्ग में पढ़ रहा था उसमें नहीं, दूसरे विद्यालय में मैं नामांकन ले रहा हूं 9वां क्लास में, तो उसके लिए मैं यहां पर डिटेल्स भरूंगा। अगर मैं मान लीजिए 8वां वर्ग में पढ़ रहा हूं और उसी विद्यालय में मैं फिर से नामांकन ले रहा हूं तो इसको खाली छोड़ देना है। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर आप 8वीं क्लास जिस क्लास मतलब स्कूल से पास किए हैं उससे नहीं, आप दूसरे स्कूल में 9वीं में एडमिशन ले रहे हैं तो आप यहां पर भरेंगे, तो उस विद्यालय का नाम भरेंगे जिस स्कूल में आप मतलब 8 क्लास पास किए थे, और उस विद्यालय का स्थानांतरण पत्र संख्या जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यानी TC होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जब आप स्कूल मतलब प्रत्याग करते हैं इसको प्रत्याग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो उस TC पर आपको ये नंबर मिलेगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद आपका वहां पर डेट भी लिखा रहेगा उस TC के ऊपर यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर, तो ये विवरण आप भरेंगे। या उसी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं जिस स्कूल में आप 8वीं वर्ग पास किए हैं उसी में आप 9वीं भी पास करना चाहते हैं 10वीं भी पास करना चाहते हैं तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये समझना है कि खाताधारी का नाम यानी आपका अकाउंट है तो अपना नाम भरेंगे, या आपका अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ तो जल्दी से जाकर ओपन करवा लीजिए उसके बाद फॉर्म भरिए, या आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है तो अपने माता पिता जिसका भी आप अकाउंट लगा रहे हैं उनका नाम यहाँ पर भरेंगे, अगर छात्र का अकाउंट है तो छात्र का अकाउंट का यहाँ पर नाम भरेंगे। उसके बाद बैंक का IFSC कोड भरेंगे, खाता संख्या भरेंगे, और जिनका अकाउंट यहाँ पर दिए हैं उनका आधार नंबर ऊपर में आपको भरना है, उसके बाद बैंक का नाम आपको यहाँ पर भरना है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। उसके बाद ईमेल ID में आपका ईमेल ID है तो भर दीजिए, नहीं है तो चलेगा, अगर है तो आप भर दीजिए वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मातृभाषा में आपको यहाँ पर हिंदी पट्टी करना है, अगर आप मुस्लिम हैं तो उर्दू पट्टी करेंगे, तो द्वितीय भाषा में आप यहाँ पर हिंदी पट्टी करेंगे, अगर मुस्लिम हैं उर्दू पट्टी किए हैं तो द्वितीय भाषा में यहाँ पर हिंदी पट्टी करेंगे, अगर हिंदू हैं तो आपको प्रथम मतलब मातृभाषा हिंदी में आपको यहाँ पर हिंदी पट्टी करना है, और द्वितीय भाषा में आपको संस्कृत पट्टी करना है अगर आप हिंदू हैं तो। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें छात्रों का नाम, जो भी छात्र रहेंगे मतलब छात्रों का हस्ताक्षर सॉरी, तो इस तरह से जो भी स्टूडेंट है उसका हस्ताक्षर साफ साफ करवा लेंगे यहाँ पर। उसके बाद उनके माता पिता किसी एक का हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करवाना है। उसके बाद आप यहाँ पर से इसमें आपको खाली छोड़ देना है, प्रवेश तिथि जिस दिन आप इसे जमा करने के लिए जा रहे हैं उस दिन का डेट आपको यहाँ पर भर देना है।
इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्लिक करके इस पेज पे आएंगे, वहाँ से नीचे आएंगे तो जब आप एडमिशन फॉर्म भर लेंगे उसके साथ आपको क्या क्या जमा करना है, तो आधार कार्ड हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, एसएलसी, सो उसका नीचे आप ईमेल देखते हैं जिसको टीसी भी बोलते हैं, विद्यालय प्रचार पत्र भी बोलते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका एडमिशन होगा। उसके बाद जाति आवासीय पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपको घबराना नहीं है, अगर आपके पास टीसी नहीं है इस तरह का डॉक्यूमेंट्स तो भी आपका एडमिशन होगा। मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि जिस स्कूल में आप 8वीं वर्ग का पढ़ रहे थे अगर उसी में 9वीं वर्ग का एडमिशन ले रहे तो आपके पास टीसी नहीं होगा, क्योंकि उसी में एडमिशन ले रहे हैं। अगर आप जिस स्कूल में 8वीं वर्ग पढ़ रहे थे उस स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल में 9वीं वर्ग का एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास टीसी होगा, तो ही आपका टीसी लगेगा, अन्यथा आपका टीसी वहाँ से नहीं लगने वाला। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एडमिशन में। उसके बाद बात करते हैं कि एडमिशन में आपको कितना रुपया लगता है, तो मैं आपको बता दूँ जो भी विद्यालय हैं सभी विद्यालय का अलग अलग फीस रखा गया, जितना वो लोग मांग रहे हैं आपको उतना फी देना पड़ता है। तो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स बन रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, जिसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ।